फाइनली वो घड़ी आ चुकी जिसका इंतजार बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एंड वर्सेटाइल एक्टर मनोज वाजपेयी के फैंस ना जाने कितने लंबे समय से कर रहे थे। जी इनके करियर की 100वीं फिल्म और सबसे खास फिल्मों में से एक फिल्म भैया जी आज बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज थोड़ी में हम बात करने वाले इनकी फिल्म भैया जी के बारे में कि फिल्म को रिव्यूज कैसे मिले, फिल्म को रेटिंग कितनी मिली और फिल्म अपने पहले दिन आज बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि फिल्म भैया जी को डायरेक्टर अपूर्व सिंह करकी के डायरेक्शन में बनाया गया, जो कि पहले ही मनोज वाजपेयी के साथ बंदा एक काफी जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं, जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन आप सभी को बता दें कि फिल्म भैया जी इनके करियर की काफी दमदार फिल्म बताई जा रही। जी हाँ, फिल्म में कई खास बातें हैं। सबसे पहले अगर बात करें फिल्म के रिव्यूज के बारे में तो फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फिल्म ज्यादातर लोगों को पसंद आ रही है और कुछ ही लोगों को ये फिल्म उतनी खास नहीं लग रही है। लेकिन अगर बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में तो फिल्म में 2024 में बिहार के सीतामढ़ी की स्टोरी को दिखाया गया, जिसमें कि मनोज वाजपेयी भैया जी के नाम से जाने जाते हैं। इनके कैरेक्टर को काफी अच्छे तरीके से बिल्डअप किया गया। जी हाँ, जिस तरीके से इनके कैरेक्टर को दिखाया गया, इनका कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और मनोज वाजपेयी ने इस कैरेक्टर को काफी दमदार तरीके से निभा के दिखाया है। अगर बात करें फिल्म में एक्टिंग वाइज तो फिल्म एक्टिंग वाइज सभी का दिल जीत रही। जी हाँ, मनोज वाजपेयी की जबरदस्त एक्टिंग और इनकी स्क्रीन प्रेजेंस ही ऑडियंस को सीट पर बैठाने के लिए काफी है। लेकिन उसके बावजूद फिल्म के बीजीएम और फिल्म की जबरदस्त स्टोरी लाइन ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं। लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी प्रेडिक्टेबल बताई जा रही, जिसकी वजह से ऑडियंस को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। लेकिन फिल्म का एक्शन काफी दमदार बताया जा रहा है, जिसमें ज्यादा कुछ नया तो देखने को नहीं, लेकिन जितने भी एक्शन दिखाया गया है काफी बेहतरीन लग रहा है। और अगर कहा जाए तो मनोज वाजपेयी की ये फिल्म एक बार जरूर देखी जानी चाहिए, जो कि फुल ऑफ टाइम पास के लिए बनाई गई है। और मनोज वाजपेयी के फैंस के लिए तो ये फिल्म किसी तोहफे से कम नहीं होने वाली है। अगर बात करें फिल्म की कुछ कमजोर बातों के बारे में तो फिल्म का स्क्रीन प्ले कुछ जगह पे थोड़ा लंबा सा फील हो रहा है, जिसकी वजह से ये फिल्म ऑडियंस को उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रही। लेकिन फिल्म का रन टाइम उतना ज्यादा नहीं है। जी, फिल्म का रन टाइम लगभग 2 घंटे और 15 मिनट का ही है। अगर बात करें फिल्म के डायलॉग्स के बारे में तो फिल्म के ज्यादातर डायलॉग्स काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिल्म के कुछ डायलॉग्स थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। और अगर कहा जाए तो ये फिल्म एक वन टाइम वॉच मूवी, जिसे एक बार देख के जरूर इंजॉय करना चाहिए। अगर बात करें फिल्म की रेटिंग के बारे में तो फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। आइए बात कर लेते हैं फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। तो फिल्म को आज लगभग 1000 से 1500 स्क्रीन पर इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है, जिस पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म अपने पहले दिन कम से कम 3 से 4 करोड़ की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से करने वाली है। और फिल्म अगर इतना कलेक्शन कर लेती तो फिल्म के बजट के हिसाब से ये कलेक्शन काफी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 30 से 40 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी कुछ लंबे समय तक बॉलीवुड की कोई भी बड़ी फिल्म नहीं आने वाली, जब तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर सकती है और मनोज वाजपेयी के करियर की एक सुपरहिट फिल्म साबित हो सकती है। तो अगर आप सभी ने ये फिल्म देख ली तो आप सभी को ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी को क्या लगता है, ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।